दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हम गूगल पर आ चुके हैं एंड हमने टू कॉम्स यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो टू कॉम्स डॉट कॉम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे निकल कर आ चुकी है सामने, एंड इस पे हम लोग क्लिक कर गए हैं। क्लिक करने के बाद इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि हम लोग जो है ऑफिशियल यहाँ पे अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे सब चीजें जेन्युइन जॉब अपडेट्स हम लोग इस चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में टू कॉम्स की तरफ से आई हुई मल्टीपल जॉब वैकेंसीज के बारे में, जिसपे हम स्पेशली यहाँ पे एक ऐसी वैकेंसी के बारे में आपसे बात करेंगे जहाँ पे आपको किसी भी तरह का जॉब अपडेट्स जो है, यानी कि आपको किसी तरह का भी टारगेट जो है वो आपको यहाँ पे नहीं होगा, एंड आप अपने हिसाब से अपने टाइमिंग्स पे काम कर सकते हो टोटली। तो जिस प्रोफाइल के लिए हम लोग हायरिंग के बारे में बात करने वाले हैं वो आप लोग देख सकते हो। हम यहाँ पे व्यू ओपनिंग्स पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे व्यू ओपनिंग्स में जितनी भी ये लोग हायरिंग कर रहे हैं, हर एक ऑप्शन, हर एक प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे हर एक डिटेल मेंशन है। तो हम लोग बात करने वाले हैं जिस प्रोफाइल के बारे में एंड जिस हायरिंग के बारे में, वो दोस्तों यहाँ पे आई है रिक्रूटमेंट से लेकर के, जो कि आपका है रिक्रूटमेंट की एचआर की यहाँ पे रोल है, जो कि नॉन टेक प्लेटफॉर्म के लिए ये लोग हायरिंग कर रहे हैं, जिसका नाम है बेसिकली नॉन आईटी रिक्रूटर। सो जिस प्रोफाइल के लिए ये लोग हायरिंग कर रहे हैं वो है नॉन आईटी रिक्रूटर। ये प्रोफाइल आपकी लाइफ टाइम के लिए वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन में ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है। उसके अलावा लोकेशन जो है वो ऑल ओवर इंडिया से ये लोग हायरिंग कर रहे हैं। कोलकाता हो गया, भुवनेश्वर हो गया, दिल्ली, नोएडा, NCR, देन NCR, मुंबई, पुणे, सब जगह है। एंड ये लोकेशन आपकी बेसिकली हायरिंग जो ऑफिसेज है उनकी रहती है। उसके अलावा आप लोगों का जो काम है वो टोटली वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है। आप लोग देख सकते हो ये 6 मार्च को ही वैकेंसीज रिलीज की गई हैं इनके तरफ से, इनकी वेबसाइट पे। बात करें इस प्रोफाइल के बारे में ब्रीफली, उससे पहले हम आपको बता दें, अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो हमारे साथ इसी तरह से हम आपको हर हमेशा एक नई जॉब अपडेट्स जो है वो प्रोवाइड करते रहते हैं। इसीलिए आप अगर जेन्युइन अपडेट्स चाहते हो जॉब के बारे में तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे हम आपको रेगुलर जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिंक जो है हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो अगर आप उस पर भी ज्वाइन करना चाहते हो तो वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने बता दिया लोकेशन आपका वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सैलरी की बात करते हैं। सैलरी जो है वो आपको यहाँ पे मैक्सिमम 3 लाख तक का पैकेज रहने वाला है, यानी कि 30,000 मैक्सिमम ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप कुछ एक्सपीरियंस रखते होंगे तो आपको ज्यादा मिल जाएगा। अगर आप कंप्लीटली फ्रेशर होंगे तो आपको 15 से 20 हजार जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे इजिली, एंड अगर आप कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हो अराउंड 2 ईयर्स तक का, तो आपको 3 लाख जो है यानी 30,000 के करीबन आपका सैलरी पैकेज बनने वाला है यहाँ पे। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस में इन्होंने एक्सपीरियंस बोला है, तो अब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली में ये चीजें मेंशन भी करी हुई है कि रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो है वो 0.6 से 2 ईयर्स तक का है, यानी कि अगर आपको पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हो। बट जो कैंडिडेट्स यहाँ पे कंप्लीटली फ्रेशर है वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग कौन कौन से लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम के अंदर, या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोगों का काम जो यहाँ पे रहने वाला है वो यहाँ पे नॉन आईटी रिक्रूटर का रहेगा, यानी कि जो नॉन आईटी फील्ड्स रहती हैं, लाइक आपका कोई बिजनेस डेवलपमेंट की प्रोफाइल हो गई या फिर और कोई मल्टीपल मार्केटिंग की प्रोफाइल्स हो गई, उन सब प्रोफाइल्स पे आप लोग हायरिंग करोगे कैंडिडेट्स की। एंड यहाँ पे इन्होंने क्लियरली में मेंशन किया जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोगों का जो रोल रहने वाला है वो सिंपल एक रोल वैसा रहेगा जो कि एचआर यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, यानी कि आप लोगों को कैंडिडेट्स को हायरिंग करना होता है जब कंपनी को रिक्वायर्ड है कैंडिडेट्स, आपको तब हायरिंग करना है कैंडिडेट्स को। आपको प्री स्क्रीनिंग कॉल्स जो है वो लेनी होती है, यानी कि आपको जो वेबसाइट्स रहती है लाइक naukri.com हो गया, लिंक्डइन हो गया, वहां से कैंडिडेट्स की आपको शॉर्टलिस्टिंग करनी होती है, एंड उनको कॉल करके आपको उनको एक टेलीफोनिक राउंड कंडक्ट करवाना होता है, देन आपको उनको हायर करना होता है। उनके फाइनल इंटरव्यू राउंड्स जो है वो आपको कंडक्ट करवाने होते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल इंटरव्यूज की बात करें या फिर टेक्निकल असेसमेंट्स वगैरह आपको करवानी होती है। ये आप लोगों का यहाँ पे रोल रहने वाला है। रिक्वायरमेंट इन्होंने बताया हुआ है कि आपको एक थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट को लेकर के, कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़िया चाहिए, बस ये मेन चीजें आपको है यहाँ पे जो आपको कंपलसरी होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक अपना एक कि आप अपना इस जो मेल आपको दिख रही है जो इन्होंने प्रोवाइड की हुई है यहाँ पे raj.a@2.coms.com, ये ईमेल जो है वो हायरिंग एचआर की है, तो आप इस पे मेल ड्रॉप कर सकते हो एंड अपना सीवी शेयर कर सकते हो। देन दोस्तों आप लोग इस मोबाइल नंबर पे भी अपना सीवी जो है वो शेयर कर सकते हो, ये
अपना मोबाइल नंबर जो है ये एचआर का मोबाइल नंबर है, तो इन दोनों मेथड्स के थ्रू भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको रिवर्ट जो है वो जल्दी आ जाए। देन एक थर्ड वे भी है जिससे आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले बेनिफिट्स के बारे में बता दें, आपको जो पेमेंट मिलेगा उसके अलावा आपका पीएफ भी रहने वाला है एंड आपको मेडिक्लेम भी जो है वो कंपनी प्रोवाइड करने वाली है। देन अप्लाई करने के लिए आपको आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे दो प्रोसेस रहेंगे, एक आपका जो आपको डिटेल्स अपलोड करनी है उसके लिए आपके पास टू ऑप्शंस हैं, आप इंडीड के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो या फिर अपना सीवी जो है वो भी अपलोड करोगे। तो आपकी जो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, आपका फर्स्ट नेम हो गया, आपका लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर वगैरह, आपका ईमेल हो गया, आपका जेंडर, ये सब चीजें आपका सीवी से ही यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा। एंड अगर कुछ इश्यू होगा तो उसको आप एडिट भी कर सकते हो यहाँ पे प्रोफेशनल डिटेल्स वगैरह को। सो ये सब बेसिक सी डिटेल्स जो है वो मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये आप लोग अप्लाई करने के टाइम पे फिल कर देना। देन यहाँ पे आपका सीवी जब आप अपलोड कर दोगे तो ये सब डिटेल्स जो है वो आपकी फिल करने के बाद आपका जो है एक असेसमेंट रहेगा। वो असेसमेंट जो है किस तरीके से आपका रहने वाला है एंड असेसमेंट में आपको क्या क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। असेसमेंट जो है यहाँ पे प्री स्क्रीनिंग असेसमेंट है, यहाँ पे बेसिक से रैंडम से क्वेश्चंस है बिल्कुल, कि आप इंटरेस्टेड हो इस नॉन आईटी रिक्रूटमेंट के लिए तो आपको येस पे क्लिक कर देना है। देन आपका एक्सपीरियंस कितना है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कर सकते हो। तो उसके बाद आप लोगों के पास अपना लैपटॉप डेटा या नहीं है वो है या नहीं है उसके रिगार्डिंग इन्होंने आपसे क्वेश्चन प्रोवाइड किया है। बट ये अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो ये कंपनी भी आपको यहाँ पे लैपटॉप जो है वाईफाई प्रोवाइड करने वाली है। उसके अलावा आपको नॉलेज होना चाहिए नौकरी.com, लिंक्डइन, मोस्टर, ये सारी रिक्रूटमेंट की वेबसाइट्स हैं, यहाँ से कैंडिडेट्स जो है वो हायरिंग की जाती है उनकी, तो इनका आपको नॉलेज है या नहीं है वो आपको पूछा गया है। तो उसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देन आप इसको सबमिट कर दोगे, जब आप इसको सबमिट करते हो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाएगा थैंक यू। मेरे को ये इसलिए दिखा रहा है, मैंने ऑलरेडी सबमिट एक बारी करके देखा था, बिकॉज हम जो भी प्रोफाइल्स आपको बताते हैं वो जेन्युइन प्रोफाइल्स हो इसलिए हम खुद पहले ट्राई करते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे ये चीज मेरे को शो कर रहा है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ट्राई के टाइम पे एक बारी सबमिट करके देखी थी डिटेल्स। जब आप इसे अप्लाई कर दोगे, अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा एंड आपको इंस्टेंटली मैसेज आ जाएगा आपके व्हाट्सएप पे प्लस आपके जीमेल आईडी के अंदर। देन अब इसके बाद का प्रोसेस जो है उसमें कैंडिडेट्स को पिछली बार भी कुछ इश्यू आया था जब मैंने टू कॉम्स पे एक पहले वीडियो बनाई थी, तो उसके बारे में भी मैं आपको एक बार यहाँ पे डिटेल दिखा देता हूँ कि जब आप अप्लाई कर लोगे तो अप्लाई करने के बाद क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को ना यहाँ पे कुछ व्हाट्सएप पे डिटेल आएगी, उसके साथ ही आपको क्या करना है कुछ 1 से 2 1 से 2 आवर्स के बीच में आपको आपका जो जीमेल आईडी है वो ओपन करना है। उसे ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, अपना प्रमोशंस का जो ये फोल्डर आता है इसको आपको ओपन करना है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मैं इस पे प्रमोशंस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को एक मैसेज आ रखा है जो कि प्रमोशन में चला गया है। ये मैसेज जो है वो टू कॉम्स की तरफ से मुझे आया था। इस मैसेज पे इन्होंने क्लियरली मैंशन किया हुआ है क्या, वो आप लोग देख सकते हो कि ग्रीटिंग्स फ्रॉम टू कॉम्स, अवर रिक्रूटमेंट टीम ट्राई टू रीच यू टू डिस्कस ऑन आईटी रिक्रूटमेंट प्रोफाइल, यानी कि जिस प्रोफाइल में मैंने अप्लाई किया था उसी प्रोफाइल के रिगार्डिंग इनकी टीम ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया होगा, बट जो इनका नंबर है वो बेसिकली ऑनलाइन नंबर होते हैं तो इसलिए मिलने में प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए इन्होंने बताया कि आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, इन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है। देन कुछ लोगों को यहाँ पे जब व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा तो व्हाट्सएप पे भी आप लोगों को जो मैसेज आता है वो इस तरह से आपको मैसेज प्रोवाइड किया जाता है जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे आपको जो डिटेल्स दी होंगी यहाँ पे आपको इन लोगों ने ना एक कोड प्रोवाइड किया होता है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, डायल एक्सटेंशन मेरे को 370 प्रोवाइड किया है एंड उसके बाद टॉक टू लिखा हुआ है टू कॉम्स टीम टू कॉम्स, यानी कि इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है कि जब आप लोग इनको कॉल करोगे इस नंबर पे उसके बाद आपको एक एक्सटेंशन कोड डायल करना होता है जो कि हर एक का आपका अलग अलग होगा। मुझे जैसे 370 प्रोवाइड किया है वैसे ही आपको अगर लेट सपोज 360 दिया होगा तो आपको वो डायल करना है, उसके बाद देन इनकी टीम के पास आपका कॉल रिसीव हो जाएगा, आपका वो कॉल जो है वो पिकअप कर लेंगे एंड आपसे फर्दर जो प्रोसेस है उसके बारे में ब्रीफ कर देंगे आपको। इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि इन केस आपका कोई भी कॉल आंसर नहीं करता अब आप जो एक्सटेंशन डाल रहे हो उसके थ्रू, देन आपको दूसरा एक्सटेंशन जो है ये लोग प्रोवाइड करेंगे एंड आपको उसके थ्रू जो है वो यहाँ पे वो डायल करके देन आपको कॉन्टेक्ट करना है। सो आपका अगर यहाँ पे कॉन्टेक्ट हो जाता है उसके बाद आप अपनी इनकी टीम के साथ बात कर सकते हो एंड उसके बाद जो है आपका एक सिंपल सा इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाता है एंड इंटरव्यू अगर आप क्रैक करते हो तो आपका जो सिलेक्शन है इस प्रोफाइल के लिए वो फाइनल हो जाता है। दोस्तों आज की इस जॉब अपडेट्स में इतनी सी ही था अपडेट जो आपको बतानी थी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड अप्लाई करना चाहते हो इस जॉब प्रोफाइल के अंदर
तो आपको लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड इसी तरह की अगर जॉब अपडेट्स चाहते हो रेगुलर बेसिस पे, आप मिस ना करो, तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पर, एंड हम मिलेंगे आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।